को लिखवा लेंगे तो समझाएंगे बात। मैं वांडेयार वांडेयार जिसका राजा जो अंधविश्वास है लोगों में, मेरा काम है उसको दूर करना।
और प्रमाण के साथ दूर कर, बोलो सही की कर, प्रमाण दे, प्रमाण नहीं, मैं वहां तो प्रमाण दूंगा, चलो आगे अब एडिट डालिए हैदर अली का मंदिर है पीतल का, उसमें नाग से
आदित्या पर लेटे हुए और वहाँ पे टीपू का प्रसाद मिला, कावेरी नदी में था जहाँ टीपू शहीद हुआ था। टीपू का जेलखाना, टीपू की तोपे, टीपू की तलवार, वो तो नहीं थी तलवार जो उसकी फेमस तलवार थी, जहाँ टीपू का मकबरा है। और मैं जानकारी दूंगा, पहले आप ले लीजिए, है ना। दक्षिण भारत की असली सनातन धर्म जो है दक्षिण भारत में है, भारत में सबसे ज़्यादा संस्कृत दक्षिण भारत में बोली जाती है। असली हिंदू धर्म जो है वह दक्षिण भारत में है और सशक्त हिंदू धर्म है। वहाँ ब्राह्मणों का बहुत बोलबाला दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा। Thank you.
लिखे दूसरा लिखे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ना हैदर अली जुड़े वारेन हेस्टिंग्स बराबर मंगलौर की सब कोई समस्या मंगलौर है देखो कर्नाटक में एक मंगलौर है और एक मंगलौर हम भी जब गए थे तो बड़ा दिक्कत हो गई समझ में आया है लेकिन इसी युद्ध के दौरान हैदर अली शहीद हो गए और ये जो संधि हुई थी यह टीपू सुल्तान के मध्य बात समझदारी नहीं आ रही है लड़की लड़की नहीं आई मतलब ना संधि कब होती ना तुम जीते ना हम जीते बोलो हम दोनों दोनों जो जीते हारे हम सब सब दोनों को बराबर कर ले बोलो सही इतना टीपू लोहा लिया लोहा समझ रहा ना अगर मराठवा साथ दिए होते मराठी और निजाम तो अंग्रेजों के छक्के छूट गए अंग्रेज क्यों 200 वर्षों तक शासन किए क्योंकि हम ही लोग गद्दार थे यही के लोग गद्दार थे सत्य तो यही है ना बोलिए नहीं सर क्या कुछ गलत कर दिए नहीं कुछ गलत बोल दिए कुछ गलत अब जिसको पार्टीज का ज्ञान होगा राजनीति शास्त्र का मेरी बात सही की करें ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो स्वतः समझ में आ रहे हैं जिस दल का 10-5 सांसद है उसके जो फॉलोवर था फॉलोवर जान ही रहे हैं फॉलोवर अब ये अब कितने पीएम बन ही जाएंगे या दादा या चाचा जिसको भी मानते हैं अरे कब है कैसे पीएम बन जाएंगे पीएम नहीं कोई हलवा है का पीएम पीएम वह बनेगा जिसके पास 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों की जिसका जनाधार होगा बोलो सही कह रहे हैं कि गलत क्योंकि कितना 50% प्लस एक सीट चाहिए 50 प्लस एक मतलब समझ रहे हैं 543 का 272 मतलब 272 कैसे कोई जीत पाएगा अगुआ का आप गलत कर बात कर दिए आप आंतरिक रिकॉर्ड बोल रहे अच्छा ऐसा है ना सर आप नहीं जान रहे सर वो ऐसा कि 20 दल आपकी मिलकर अरे गधे तो जितना ज्यादा होगा वो कहेगा हम पीएम बने बटोरिया पार ना होगा सही बात है कि गलत तो जो मूर्ख है उनकी बात छोड़ दीजिए जो पढ़े लिखे सही की गलत जो जिन्हें ज्ञान है वो जानते हैं कि केंद्र में सरकार प्राय उसी की बनेगी चाहे कोई भी दल जिसका 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जिसका जनाधार एक राज से सरकार नहीं क्यों बेटा गलत कर रहे हैं बोलिए मान लीजिए तो भी 50 सीट दे दो पीएम बनेगा पीएम बने खाली 272 चाह 222 कहां से लिए क्या गलत बोल दिए क्या अब इधर देखो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध अब ये हो जाएगा भैया टीपू सुल्तान ना और बुढ़े लॉर्ड कार्नवालिस
कोई विद्वान हो ही नहीं सकता। सही सर, स्वामी विवेकानंद हो जाए जब अमेरिका गए स्वामी विवेकानंद, तो वहाँ चाय उन्हें भाई ज्यादा पीते हैं अमेरिका में, यहाँ के लोग चाय ज्यादा पीते हैं। तो अब हम लोग यहाँ तो कप में सब पीते, वो प्लेट में पी रहे सर। अंग्रेज कहे कहा है सब कप में पी रहा है प्लेट का कप, तो आपका जूठा प्लेट जूठा ना, इसीलिए उसमें पी रहे थे। संतान
वीरता में अपने पिता से दो कदम आगे था। लॉर्ड कार्नवालिस ने टीपू सुल्तान के लिए कहा, भारत में दुश्मन नंबर एक टीपू सुल्तान है। भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा शत्रु टीपू सुल्तान है। देखती है बेटा, देखते हैं। टीपू सुल्तान फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट से पत्राचार किया। टीपू सुल्तान फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट से पत्राचार किया। अरे यार, पत्राचार का मतलब पत्र आना जाना, लेन पत्र व्यवहार ना। पहले लेटर तू हमके नाम छोड़ते थे नहीं, पत्राचार किया। और फ्रांसीसियों की मदद से अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक नौसेना बोर्ड का गठन किया और एक नौसेना बोर्ड का गठन किया। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम नामक स्थान पर एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। और जैकोबिन क्लब की स्थापना की। Thank you.
राजपूत साम्राज्य की विधवा चर्चा, इसको दो तीन बार पढ़ लेना कल समझा। उसको दो तीन बार पढ़ लेना।